आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यदि आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे डिटरमाइन करोगे। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। जो हॉरिजेंटल रोज हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको बोलेंगे हम ग्रुप्स। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जो लास्ट ग्रुप है इसे आप जीरो ग्रुप बोल सकते हो या फिर 18th ग्रुप बोल सकते हो। हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहले दो ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक के हैं, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के हैं, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के हैं, और जो नीचे दो सीरीज दे रखी हैं पीरियोडिक टेबल में वो हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एलिमेंट दे रखा है उसका लिखना है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पोजीशन को पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसके बाद आप ये देखोगे कि उसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जो मैक्सिमम आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको एलिमेंट के पीरियड के बारे में बताएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है, क्या इसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मैक्सिमम वो क्या है आपका 3, ठीक है। तो जो ये 3 है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुझे ये बताएगा कि जो मेरा एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा। तो n इजकल टू 3 आया है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको पता है s ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। यदि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन s1 आता है तो आपका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, और यदि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन s2 आता है तो वो बिलोंग करेगा किससे, सेकंड ग्रुप से। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 20। मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है पीरियोडिक टेबल में, तो मैं क्या करूँगा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए मैक्सिमम क्या है 4, तो n इजिकल टू 4, ठीक है। तो ये जो n इजिकल टू 4 है ये मुझे किस बारे में बताएगा, इस एलिमेंट के पीरियड के बारे में जो कि कौन सा है, 4th है, ठीक है। अब ग्रुप के बारे में मुझे कौन बताएगा, इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखिए आप s2 है। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था अगर s2 कॉन्फ़िगरेशन हो आउटर मोस्ट तो वो कौन से एलिमेंट से बिलोंग, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 है वो 4th पीरियड से बिलोंग करेगा और सेकंड ग्रुप से। अब आप देखिए ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये आपका 4th पीरियड है, 4th पीरियड में जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है वो कौन सा आपका, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जो एलिमेंट है वो 4th पीरियड और सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है। इसके बाद हम अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ns इलेक्ट्रॉन, np इलेक्ट्रॉन और प्लस 10।
ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं आपने, पी इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं और साथ में क्या जोड़ना है उसमें 10। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना 8। कॉन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 और 2p4, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 4 8। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो किसको बताएगा, आपके पीरियड को। तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एक बात तो ये पता लग गई यहाँ से। अब इसका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप हमें कैसे पता लगेगा, ns प्लस np और प्लस 10। तो देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, p में कितने हैं 4, तो 2 प्लस 4 और प्लस कितना ऐड करना है इसमें 10, तो ये कितना आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप को बिलोंग करता है। ज़रा देखिए हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो कहाँ पर है, ये देखिए ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए 16th तो ग्रुप है इसका और सेकंड इसका पीरियड है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसी तरह से सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। तो इसमें हमने देखना है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दोनों को हमने जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन का पता लग जाएगा। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ डी ब्लॉक का। मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट है क्रोमियम Cr, इसका एटॉमिक नंबर है 24, मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, आर्गन लिखता हूँ तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो मुझे स्टार्टिंग से लिखने की ज़रूरत नहीं है 1s2s2p, ठीक है। अगर आर्गन लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 4s1 और 3d5। तो यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है 4, तो n इज इक्वल टू 4। तो इससे तो पता लगा मुझे कि जो मेरा एलिमेंट है क्रोमियम वो 4th पीरियड को बिलोंग करता है। अब ग्रुप कैसे पता लगेगा, ग्रुप पता करने के लिए मुझे d और s इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। देखिए d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, s में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 5 और 1 6, तो इस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो क्या है आपका 6। चलिए एक बार पीरियोडिक टेबल में देखते हैं क्रोमियम को, ये देखिए ये क्रोमियम है आपका, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो 4th है और जो इसका ग्रुप है वो क्या है आपका 6th है। तो हमने सिंपल क्या करा है, s और d इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स वो हमेशा ही बिलोंग करेंगे 3rd ग्रुप से, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये देखिए ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो सीरियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 58, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट होगा 57, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है 3rd ग्रुप से। तो जो 58 से 71 तक ये 3rd ग्रुप से ही होंगे, क्योंकि 72 वाला कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है 4th ग्रुप से, ठीक है। उसी तरह से जो नीचे वाली सीरीज़ है एक्टेनॉइड सीरीज़, ठीक है, ये भी किस ग्रुप से बिलोंग करेगी 3rd ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एक्टिनियम है इसका 89 है और जो थोरियम आ गया 89 के बाद जो 90 से कहाँ तक 103 तक, ठीक है, ये सभी किस से बिलोंग करेंगे 3rd ग्रुप से, क्योंकि फिर 104 वाला वो कौन से ग्रुप से ग्रुप में आ जाएगा आपका 4th ग्रुप में। तो जो लैंथेनाइड्स हैं और जो एक्टेनॉइड्स हैं ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे 3rd ग्रुप से। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो जो एक्टेनॉइड वाले हैं, ठीक है, जो 4f सीरीज है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखिए कितनी है 6, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स 6th पीरियड से बिलोंग करेंगे
और जो एक्टिनॉइड हैं आपके उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7, तो वो बिलोंग करेंगे आपके किससे, 7th पीरियड से। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं।